नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज रिपोर्ट। बिहार प्रदेश के रोहतास जिला के विक्रमगंज अंतर्गत शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर शहर के अंजीवित सिंह महाविद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन NSS और राजनीतिक विज्ञान विभाग के तत्वावधान में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन SDM उपेंद्र कुमार पाल, महाविद्यालय के प्रशासक दिलीप कुमार और NSS कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर चिंटू ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। प्रशासक ने अनुमंडल पदाधिकारी को बुके और शॉल देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजनीतिक विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर चिंटू ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी पाल ने कहा कि मानव जाति में जन्म लेने के बाद ही सबको कुछ मूलभूत अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, जिसमें शिक्षा का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है। बगैर शिक्षा के हम पशु के समान हैं। संस्कार हमें अपने परिवार से मिलाता है और शिक्षा हमें स्कूल और कॉलेज में आने पर मिलता है। उन्होंने छात्रों से अपील करते हुए कहा कि प्रतिदिन कॉलेज में आए और नियमित रूप से क्लास करें। उन्होंने शिक्षकों को भी कहा कि भले ही आप एक ही छात्र को क्यों ना आए, आप उसे ही पढ़ाए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महाविद्यालय के प्रशासक दिलीप कुमार ने कहा कि 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार संबंधित प्रस्ताव लाया गया और 1950 में इसे पूरे विश्व में लागू किया गया। सभी देशों को इसके प्रति सजग और सचेत रहने के लिए कहा। आज करीब सभी देश में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। उन्होंने अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्य के पालन के प्रति भी जागरूक रहने पर बल दिया। जब तक आप अपने कर्तव्य को नहीं समझेंगे, सिर्फ अधिकारों की बात बेईमानी होगी। प्रशासक ने उपस्थित छात्रों से मानवाधिकार से संबंधित कुछ सवाल भी पूछे, जिसका जवाब छात्रों ने दिया। कार्यक्रम में सैकड़ों छात्र छात्राएं उपस्थित थे। साथ ही मौके पर महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर सुधांशु शेखर, डॉक्टर अनिल कुमार, प्रोफेसर परवेज अहमद, प्रोफेसर शुकेश्वर सिंह, प्रोफेसर मुनमुन चौधरी, रवि भूषण सिंह, अरुण कुमार सिंह, अक्षय कुमार प्यारे, विनोद कुमार सिंह समेत अन्य शिक्षक और कर्मचारी भी उपस्थित थे। कार्यशाला में उपस्थित इस कॉलेज के प्रशासक दिलीप जी, इस कॉलेज के सभी व्याख्याता, सभी छात्र एवं उपस्थित मीडिया के बंधु, मनुष्य पैदा होता है और पैदा होते ही उसके जीवन के संबंध में अधिकारों का सृजन हो जाता है और उस अधिकारों के साथ साथ उसका कर्तव्य का भी सृजन हो जाता है। ऐसे अधिकार जो जन्म से व्यक्ति को प्राप्त हो, वही मानवाधिकार है और उस अधिकार को कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टेट छीन नहीं सकता। हमारे यहाँ इस जो भी कंपोजिशन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की गई थी, हालांकि अभी भी वो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, असंवैधानिक बॉडी है और उसके गठन के उपरांत ही देश में जितने भी मानवाधिकार से संबंधित केसेस हैं, उन केसेस में इंटरफेयर करना, किसी को विक्टिम को उनका लाभ दिलाना, किसी के डिप्राइवेशन ऑफ राइट के इश्यू पर सुओ मोटोस कॉग्निजेंस लेना, इन सभी बिंदुओं पर हमारे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन काम करता है। साथ ही साथ सभी राज्यों में भी स्टेट ह्यूमन राइट